लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासनहीनता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात किए और अब फाइनली कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने कहा कि अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से कांग्रेस पर ही हमलावर थे। वह अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पे ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू सबसे ही नफरत है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से ही नफरत है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर जाकर के हिंदू नहीं बनता और न ही मस्जिद जाकर मुसलमान बनता है। जिसे जीसस में यकीन न हो वह ईसाई नहीं हो सकता और पैगंबर को न मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो भगवान राम से नफरत करता है वह हिंदू कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने का प्रयास हुआ जिससे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बड़े नेताओं को अपनी मर्यादा और भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है। उनके प्रति जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया उससे न सिर्फ मेरा बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँची है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वह राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल से समय मांग रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि PMO में फोन करने के 4 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई। खैर, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।